अच्छा, तो मैं अब जब से आया हूँ शेल्फ बोलता हूँ, शेल्फ मुझे क्या पता शेल्फ क्या होता है शेल्फ क्या होता है। आपको पता है शेफ कौन होता है? शेफ शेर पता नहीं, खाना पकाने वाले को कहते हैं। हम लिख सर वो कहे यूं बार रिफिर होते बच बार रिक। आप अपने आप को शेफ समझते हैं? हाँ वहाँ पान मानी पचाई दिया शेफ आया। घर से पूरा कम कर दिया यहाँ। वो हम तो हल्का फुल्का बनाते हैं, एक क्या कहते हैं इंटरनेशनल शेल्फ तो बहुत कुछ बना सकता है। शेल्फ नहीं शेफ। अच्छा, तो मैं अब जब से आया हूँ शेल्फ बोलता हूँ शेल्फ मुझे क्या पता शेफ क्या होता है शेल्फ क्या होता है। आपको पता है गॉर्डन रैमजी कौन है? ओवन वाला शेफ। गॉर्डन रैमजी बहुत मशहूर शेफ है। वो तो नहीं है, एक दुबला पुतला मोटा सा है, ऐसा करता है। वो टर्किश है। अच्छा टर्किश है। उनके होटल में खाने के लिए 1 से 2 महीने पहले वक्त लेना पड़ता है और ये अपने होटल में सिर्फ 40 लोगों को खाना खिलाते हैं। मैंने उसका कमरा छोटा होगा ना इसी वजह से। आज हम आपको उनकी कुछ मशहूर चीजें खिलाएंगे। अच्छा 1 2 3 ब्रिंग गुड। ये है स्क्रैम्बल्ड एग्स। क्या बोला जाए? स्क्रैम्बल्ड एग्स। ये गॉर्डन रैमजी का मशहूर नाश्ता है। देखने में माशाल्लाह खूबसूरत है लेकिन अंडा कच्चा पका है थोड़ा सा। जिसे डिजाइन से लग रहा है बिल्कुल हल्का फुल्का और खट्टा हल्का फीका फीका हो जाएगा। ठीक है मिशे रंग ताजा है खूबसूरत खानेंगे मिशे मिला खानेंगे खुनी का जायका खबर तो मुखरा बनना पक्का हुआ पता नहीं कैसा ऑफर। अच्छा रुके अभी नहीं रुकने वाली जी नाजरीन, ये मैं खा रही हूँ जब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि बकरे का हम वो है ना सर उसको पका लेते हैं सालन के तौर पर, फिर दोबारा उसे निकाल कर तोड़ कर उसके जो अंदर मगज़ होता है ना उसे निकाल कर प्लेट में या वैसे ही खा लेते हैं तो उस जैसा थोड़ा सा जायका आ रहा है इसमें। ये मक्खन या घी ऊपर से तो है, ये पानी में उबला हुआ ऊपर उसने लोगों ने कुछ डाल दिया। अंडे को थोड़ा सा कच्चा पका पकाते हैं, इसमें कुछ तो नहीं डाला, चीज़ तो नहीं डाला इसमें? इसके अंदर दूध मक्खन नमक काली मिर्च और एक चीज़ होती है क्रीम फ्रियाश वो भी डालते हैं। जान लगा दूँ कि साफ उगड़ा से साफ जोड़ करो कि मिलावट खास वापी थी तो बल्ला गिरा गिरा मिलावट मरे रखना खाना जिंदे फसल बफस मरे। हम जो भी खाते हैं सही पका के खाते हैं, कभी का जो ओरिजिनल जायका ख़त्म हो जाए कोई बात नहीं लेकिन जायका कुछ अच्छा हो जाए ना। वाह वाह स्क्रैम्बल्ड वीआईपी डाढ़ो सुठो। हाँ स्क्रैम्बल एग्स अच्छे थे। ऐसी बात नहीं है कि उसने डांटा है लोगों को इसलिए, वैसे उसका ये मुझे पसंद नहीं आया। खड़े दोस्त बस मखलू ने बता रहा फोटो खड़े दोस्त बस बात की। ये सर्दियों में बच्चे खाए तो बहुत खुश होंगे और जायकेदार भी है। सही है। ये है गॉर्डन अल्टीमेट ग्रिल्ड चीज सैंडविच। गोल्डन सेवनट गोल्ड मेल्ट बात हो रही ना एडो एडो उतरो जुमडो आ पूरा आ पूरी फैमिली अच्छी है इनमें। फिर से तो मुर्गोलो बाकी जिन ने खास आवाज खंड खानी पक करा के बिरात मुस्तना ही खाना था कम ऑफ द जायके करने बड़ी खेल। पहले इसका ढक्कन खोलें कि क्या चीज़ है इसमें। अरे ये चीज़ तुम डालते हो ना मुझे सिर्फ इसी की टेंशन होती है। प्याज का सालन बनाया हुआ है उनमें से इसमें डालकर बस पैक करता जा रहा है बस। सही पकड़ा है बिल्कुल सही। नुमा पानी की दा बस बेबड़ो सीधा ऊपर जस्ट वेट। अल्हम्दुलिल्लाह फादा जोड़ करो कुछ वो ने जिंदा सब वो ने मशहूरी ख़त्म किया। वाह भाई वाह बहुत बड़ा मशहूर है, लोग कहते हैं लाइन लगा हुआ है। मिर्चें कम डालता है ताकि जायका उभरे डबल रोटी का, इसमें तो उभर उसमें तो ऐसे लग रहा है मिर्चों का जायका उभर रहा है। मैंने कहा एंड में ऐसी चीज़ें खिलाती है जो पूरी रात मुझे नींद ना आए इस सोच में, याद रखती रहो है ना। बीच में भी का चीज़ खाई सघन था हाँ चले अब तो इंतजार कर बी चीज़ ना खाता इन पाने सुखी सड़ सही हूँ।
ये खाली सूखा चाय के साथ मिला के खाए तो मजा कर रहा, लेकिन ये जो अंदर चीजें हैं इससे ये बिल्कुल ही नहीं बनता है। मुझे नहीं लग रहा कि इस अगर इसको अंधे को भी दे दोगे ना, वो भी कहेगा कि ये इसने कुछ नहीं बनाया। भाई की बड़ी मेहरबानी, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया। हमें ख्वाजा थी फला गिदर पुत सैंडविच लाडो वीआईपी लाडो सठो मजेदार हो खाने में। ये है ट्राइफल। ट्राइफल जी या राइफल? राइफल हम उसको बोलते हैं, डुडी बंदूक। ये गॉर्डन रैम्सी के मशहूर मीठों में से एक है। खनिंग के शोटी अल्हम्दुलिल्लाह बाद की चीन में आसानी की दाढ़ी। आजा ये केक के अंदर से क्या? भाग 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 जल्दी कर, ये गिर ना जाए। अभी उन लोगों को पता चले मेरी मेहनत है तेरी थोड़ी। ये क्या डाले हैं लाल वाले? अनार तो नहीं है? इसमें रेसबेरी जेली कस्टर्ड और केक भी है। गिरा दादे पारा दस दोनों गिरा जोड़ पर नानन से खराब पारा एठिया वाली तय है थोड़ी खटी है। मीठा आइसक्रीम केक जो मीठी चीजें होती सब मिलाई हुई है। लहर में अला लहर में जालिमों कहर में कहर में। इसमें बहुत सारी चीजें मिक्स करें, इसीलिए सिर्फ कस्टर्ड बनता तो मैं समझता हूँ ये वो अच्छा था। 5 रुपए वाली कुल्फी खा के वापस आए। हमने कुल्फी खाई थी इतनी ठंडी इतनी अच्छी थी, बस उसी में खुश होके आ जाते हैं घर में। हमें क्या पता ऐसी भी चीजें हैं। बिल्कुल दाल के पैसा का खैरात बेहतरीन जबरदस्त और ठंडा ठंडा वीवीआईपी डाढ़ो सुठो मजेदार और खाने में मजो पे। और गॉर्डन रैम्सी साहब आपने ये क्या मीठा बनाया ये मुझे बहुत पसंद है। सब लोग उसकी तारीफ ही करते हैं तो मैं भी एक तारीफ का पुल बांध लूँ। बहुत अच्छा है इलाका ना सन्नाड़ी तो गल कर तू फकर हफ्त मिल तीसी की तो नना असिन खाना से पाए लबिंग और तू फकर कौन पाए हो तू फकर सर कौन बरोर था लूम शिकारी उरी रात पाए बाबा दा मिल से खम फकर उराई तो तवार करे पाए गुलाम कादिर जान दा हफ्त मिल ड्रीम बक से खैरात दस हो हजारा पैसा दाना बीर जायका खैरात। ये नाम उसका क्रिकेटर का है और काम इसके बोर्ची के हैं। आज नहीं तो परसों आपको खाना मिलेगा। खाने वालों की अजीब है फरमाइश है अल्लाह ही जाने, लेकिन मुझे तो पसंद नहीं आया। आप गॉर्डन रैम्सी की तरह शेफ बन सकते हैं। दास दा उम्र थी ना मैं बोर्ची बनो ना अरे खबर नहीं करो लग के जी भाजी वगैरह ही पचाएंदा है तो हुन ला हुन के बराबर सियासी भी सही है होदा। अगर इस तरह के खाने बनाते तो मैं इससे अच्छा बना सकता हूं। रमजान भाई को के गुस्सा नहीं करे, गुस्सा कम करे और लोगों के साथ हंस मजाक करें, लोगों से मिल बांट के रहें और दोस्त बन के रहें। ये उसकी बीवी हमेशा उसे डिप्रेशन में रखा है तो इसी वजह से। भाई मखलूक तू तो तू इंतजार के रहा नंबर मिल पकता तो गिराओ था मोनो अलहमदुल्ला बाल बाल ना शुक्रिया अदा कर जब लोग गिरा मरे अलहमदुल्ला हर बंदा उस ख्वाहिश की कुनी की तो। खाने पकाने की बातें सुनना चाहें तो पेट्रियन पर देखिए मुझे। अगर असांजी वीडियो हमें पसंद आई तो मैं अपने प्यारे नाज़रीन से कहूँगा कि भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, बेल का बटन दबाएं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नना दा प्रोग्राम है कमेंट में जाके हमें अपनी राय दें। जो गोल्डन रैम्सी है उसकी डिशेज और चाहिए तो हम आपके लिए लेकर भी आएंगे। थैंक यू बाय। ओके थैंक यू ओके अल्लाह हाफिज़। आखिरी में इंग्लिश ओके अल्लाह हाफिज़।